हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टडी करने जा रहे हैं, यूलर्स फाई फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, और CSIR नेट के एग्जाम में इस फंक्शन से बहुत सारे MCQs सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले हमने नाम ही पढ़ा कि ये क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्या होता है, f(x)y एक फंक्शन होता है, ये हमें पता है ना। और जिसमें जो x होता है वो क्या होता है, डोमेन होता है, और y क्या होता है, कोडोमेन। ओके, तो अब हम ये फंक्शन जो करने जा रहे हैं, यूलर्स फाई फंक्शन, ये फंक्शन क्या होता है, फाई n टू n, इस फंक्शन का डोमेन भी नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट थिंग कि इस फंक्शन में क्या होगा, डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये फंक्शन होता क्या है, ये फंक्शन होता है फाई ऑफ एन ले लेते हैं हम, ठीक है। एन क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। फाई ऑफ एन का आंसर क्या होता है, नंबर, किसका नंबर, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब कि हमने इसमें काउंटिंग करनी है, किसकी काउंटिंग करनी है, नेचुरल नंबर्स की। कौन से नेचुरल नंबर्स की, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू एन एंड आर को प्राइम टू एन। ये देखिए डेफिनेशन क्या है, जो n या n से छोटे हो और n के को प्राइम हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्राइम, सबसे पहले हमें ये बताइए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका वन या खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, दोज आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, वन हो, ठीक है। जैसे कि हम ले 2, 3, इनका GCD क्या होता है, 1 होता है। हम ले ले 5, 9, इनका GCD क्या है, 1 है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हम n जो भी ले रहे हैं, n कुछ भी ले लें, जो और नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं 5 ले लेती हूँ, 5 से छोटे ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जो इसके को प्राइम है, मतलब जिनके साथ इनका GCD 1 होता है। अब मैंने ये लिया है प्राइम नंबर, 5 एक खुद एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं वो इसके क्या है, को प्राइम है ना। तो हम वो नंबर्स को ले लेंगे, बट हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 5 of 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज 5 of 1, 5 of 1 को हम क्या लेते हैं, 1, क्योंकि 1 से छोटा कुछ नहीं जिनका GCD क्या हो, 1 हो, तो 1 ही आ रहा है GCD, तो 5 of 1 is 1। एंड 5 of 2 वो भी 1 होता है, क्योंकि 2 या 2 से छोटा जिसका GCD क्या हो, 1 हो, क्या है ये, 1। ओके, इससे एक बात आपकी क्लियर हो गई, क्या बात, कि ये एक फंक्शन था। जो फंक्शन होते हैं वो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, है ना। ये हमने फंक्शंस के ऊपर पूरी वीडियो हम ये कर चुके हैं कि 1-1 फंक्शंस कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं, फंक्शन एक्चुअली क्या होता है ना। तो ये सारा हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन वॉच दैट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो क्लियर हो, आपको समझ आए, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। तो ये हुआ 5-2 भी क्या होता है, 1 होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं 5-3 पे। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि दो डिफरेंट नंबर्स की इमेज क्या है, एक है, इसका मतलब कि अगर ये कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, तो दो नंबर्स एक ही नंबर में मैप कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दिस फंक्शन इज नॉट 1-1, ये जो फंक्शन है ये 1-1 नहीं होता। ओके, तो यहां से हमें एक और रिजल्ट मिल गया। सबसे पहले हमें ये रिजल्ट मिला था कि दोनों नेचुरल नंबर होते हैं, सेकेंड रिजल्ट कि ये क्या होता है, कि कैसे निकालते हैं हम, ये भी देख रहे हैं हम, और थर्ड ये कि ये फंक्शन 1-1 नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हम अपने
थोड़े से बड़े नंबर्स पे आते हैं। और आइए जैसे कि हम क्या ले लें, फाइ ऑफ फोर लीजिए। व्हाट इज फाइ ऑफ फोर? फाइ ऑफ फोर कैसे निकालेंगे? वन, टू इसके को प्राइम है? नहीं है। थ्री इसके को प्राइम है? तो फाइ ऑफ फोर क्या होता है? टू। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन एन एट को प्राइम टू एन, कितने नंबर हैं ऐसे? दो नंबर हैं। तो फाइव ऑफ फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। ओके, अब आता है आपका फाइव ऑफ, हम ले लेते हैं नाइन, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। नाइन के को प्राइम कौन से होते हैं? वन, टू, फोर, फाइव, सेवन एंड एट। तो फाइव ऑफ नाइन की वैल्यू क्या हो गई? फाइव ऑफ नाइन की वैल्यू हो गई सिक्स। तो इस टाइप से हम कैसे निकालते हैं? को प्राइम नंबर्स निकालते हैं। सिमिलरली मैं आपको 515 निकालें, ये भी आप कर लेंगे, 516 निकालें, 520 निकालें, तो ये हम इजीली निकाल के देख सकते हैं हमने, क्योंकि छोटे नंबर्स हैं, इससे छोटे और को प्राइम नंबर्स देखने हैं। बट अगर हमारे पास बहुत बड़े नंबर आ जाएं, जैसे कि आ जाए 5 ऑफ 230 या आ जाए 5 ऑफ 540, तो इस केस में क्या होगा? नंबर्स बहुत बड़े बड़े आते जाएंगे, तो उस केस में ये चीजें सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे कि ये हमारा फाइव कैलकुलेट करना बहुत सिंपल हो जाए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला ये होता है कि आपके पास कोई भी नंबर एन है, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आएगा? p रेस टू पावर a, q रेस टू पावर b, r रेस टू पावर c। इसका ये मतलब है जैसे कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और इन प्राइम की कुछ पावर्स भी आ रही होंगी। मैं आपको एक नंबर लिख के भी दिखा देती हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 60 है, 60 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें बताइए क्या हो गया? इसमें p हो गया 2, Q हो गया 3, R हो गया 5, A is 2, B is 1 and C is also 1। तो इस टाइप से जितने और प्राइम हमारे आते जाते, सपोज कीजिए 7 भी आ जाता, अगर जैसे कि 7 6 ये होता 420, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक 7 भी आ जाता, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? 7। तो इस केस में एक और प्राइम आ जाता, W की पावर D ले लीजिए अप टू सोन। तो इस टाइप से हम लिखते हैं एन को, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ओके, फाई ऑफ एन आपका क्या होता है? फाई ऑफ एन इज एन 1 - 1/p, 1 - 1/q, 1 - 1/r अप टू सोन, जितने भी आपके प्राइम्स आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाई ऑफ एन। इसके बाद आता है, अब आप ये देखिए जो आपका phi of n आया, this is the formula, इससे आप कितना भी बड़ा आपके पास n हो, आप prime factorization करके उसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हुआ आपका, यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि यहाँ पे a b c d कुछ यूज नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ क्या यूज हो रहा है फॉर्मूला में? p q r ये चीजें यूज होंगी जो प्राइम्स आए हैं। ओके, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं। सपोज कीजिए हमने निकालना है phi of कुछ भी बड़ा नंबर ले लीजिए 300, तो 300 आप निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास क्या आया? दिस इज 2 स्क्वायर, पहले आप लिख लीजिए 300 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। तो फाइव ऑफ 300 क्या हो जाएगा? n, n इज 300। 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/5 ये होगा 300, 1/2, 2/3 एंड 4/5। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 2 3 6 6 5 30, इट विल बी 10। तो ये हुआ 4 2 8, 5 of 300 आपका क्या आ गया? 80। ओके, तो ये हम ऐसे बड़े नंबर्स का फाइव एन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आया कि ये इसको हम क्या जनरलाइज कर सकते हैं कुछ फॉर्मूलाज में, जैसे कि अगर सिर्फ एक p की पावर है या सिर्फ n एक प्राइम है, तो इस टाइप से जो हमारे फॉर्मूलाज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में यूज होते हैं
तो कुछ हम जनरल फॉर्मूला आप देखेंगे कि कैसे हमने यूज करना है इन फॉर्मूलाज को, इसी को हम इवेल्युएट करके उन फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी टाइम आ जाए फाइव ऑफ 10^5 या फिर 5 of 10^7, तो उसको कैसे करते हैं, तो इस टाइप के कुछ जनरलाइज्ड फॉर्मूले अब हम उनको देखते हैं। तो लेट सी दैट। अब देखिए हमारे पास रिमार्क्स में फर्स्ट रिमार्क क्या है, ये कि 5 of n जो होता है वो हमेशा इवन होता है। 5 of n इज ऑलवेज इवन व्हेन फॉर n ग्रेटर देन 2, क्योंकि हमें ये पता है कि 5 of 2 क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। अब ये इवन कैसे होता है, ये हमने कैसे लिखा कि 5n इवन होता है, देखिए 5 of n क्या होता है, n 1 - 1/p, 1 - 1/q, 1 - 1/r, n। अब जब आप इनको LCM ले लेंगे p q r को, तो यहां क्या बचेगा, p-1, p LCM लिया तो अंदर क्या आया, p-1, यहां आएगा q-1, यहां आएगा r-1। अब जो ये सारे p q r हैं, ये सारे क्या हैं, प्राइम हैं। जो नंबर्स प्राइम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ऑड होते हैं इसका मतलब उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है। और इसको कैंसिल करके जो भी नंबर आएगा, तो मल्टीप्लाई करके हमेशा आपको क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो फाइव ऑफ एन जो भी आपका होता है, ये हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो इस रिजल्ट को आपने हमेशा याद रखना है क्वेश्चन करते टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंड रिजल्ट आता है कि अगर आपने कभी किसी प्राइम नंबर का फाई निकालना हो, फाई फंक्शन किसी प्राइम नंबर पे लगाना हो, तो हमेशा रिजल्ट आता है p-1। अगर आपको याद हो तो हमने अभी 5 of 5 देखा था, 5 of 5 क्या होगा, 5 से छोटे सारे उसके को प्राइम ही होंगे, तो कोई भी प्राइम नंबर होगा उससे छोटे जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ओके। तो इसका मतलब 5 of 5 होगा, तो हमें ये प्राइम है तो हमारा आ जाएगा 4। हमें 5 of 2, 3, 2, 7, 3 देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ऐसा प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर इस टाइप का है, 2, 7, कोई भी एक प्राइम नंबर देख लीजिए, कोई बहुत बड़ा प्राइम नंबर, तो अगर आप उसको निकालेंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, उससे एक लेस कर दीजिए, तो 5 of 4 क्या प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, p-1, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर आपके पास हो, अगर आपके पास प्राइम नहीं है तो आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, है ना। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास क्या आ जाए, ओनली एक पावर आ जाए, 5 of p^n। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं बोलूं 5 of 16 निकालिए, 5 of 27 निकालिए, ये क्या है, ये है 5 of 2^4, दिस इज 5 of 3^3। मैं बोलूं कि 5 of निकालिए कितना, 125, मतलब कि 5 of 5^3। तो इस टाइप के नंबर्स के लिए आपके पास क्या रिजल्ट होता है, p^n - p^n-1। जैसे कि आया 5 of 8, 5 of 8 क्या होता है, 5 of 2^3, दिस इज 5 of 2^3, ये क्या होगा, 2^3 - 2^2, 8 - 4, दिस विल बी आंसर विल बी 4। तो इसी टाइप से हमारे पास जो भी रिजल्ट आए, किससे रिलेटेड, p^n आया अगर, तो आंसर क्या आएगा, p^n - p^n-1, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपका रिमार्क है कि अगर आपके पास जो n है वो दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है कि जिनका जो जीसीडी है वो 1 है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 1, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे है तो उस केस में 5 of n क्या होता है, दिस इज 5 of a into 5 of b। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बहुत बड़े नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कोई आपके पास बड़ा नंबर होगा तो आप उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास 91 है, ठीक है, 91 है, तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगी, तो वी नो कि 13 7 91 होता है ना, तो ये क्या हो जाए,
जाएगा phi of m into n, या तो ये बोल दीजिए, इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं phi of m into n, ओके GCD of m n is 1, तो phi of m, phi of n, देखो कितना इजी हो गया सॉल्व करना, phi of m into n, phi of 13 into phi of 7, अब 13 क्या है, एक प्राइम है, क्या हो जाएगा 12, 7 भी क्या है, एक प्राइम है, तो 12 6 72, this is phi of 91, ठीक है, कि क्या होता है हमारा phi of 91 is 72, ये हमने कैसे निकाला, अगर हम इसको वैसे निकालते या फिर फॉर्मूले में रख के भी निकालते तो भी डिफिकल्ट होता, अगर हमें कुछ रिजल्ट्स याद हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा ये निकालना, बहुत सिंपल निकलेगा ये इससे भी, अगर आप phi of n वाले फॉर्मूले से निकालेंगे n n minus 1 minus 1 by p1 में, ये भी तब भी सेम आएगा, क्योंकि जो ये रिजल्ट्स हैं ये उन्हीं की जनरलाइजेशन है, ठीक है, तो आंसर तब भी सेम आएगा, बट हमने कैसे करा, अगर हमें ये रिजल्ट याद है तो बहुत इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है वो देखिए, कि अगर आपका जो n है वो 10 रेस टू पावर में है, phi of 10 रेस टू पावर n, इसका आंसर होता है 4 into 10 raise to power n minus 1, जैसे कि आपको निकालना हो phi of 10 6, तो आप क्या करेंगे phi of 10 raise to power 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस कहाँ यूज होता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है, ठीक है, ये हम अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उसमें देखेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि जो अब ये phi फंक्शन है ये पूरी ग्रुप थ्योरी में और पूरी रिंग थ्योरी में बहुत जगह पे phi आपको अगर निकालना आता है तो बहुत जगह पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि आपने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, यूनिट्स पढ़ी है, हमने सारा ये पढ़ लिया है, ये सारे टॉपिक्स हमने वीडियोस में कवर कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो जनरेटर निकालने के लिए, यूनिट्स निकालने के लिए हर जगह phi यूज होता है। वो कैसे यूज होता है, जो वो कुछ फॉर्मूलाज हैं या फिर वो कुछ रिजल्ट्स हैं या वो कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक्स आपके बहुत काम आने वाली है, तो लेट सी दोस ट्रिक्स। फर्स्ट आता है देखिए, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi n, ठीक है। ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं, साइक्लिक ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई ग्रुप है जो उसके साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स होते हैं, तो वो जनरेटर्स हम कैसे काउंट करते हैं, आपके पास किसी भी ऑर्डर का नम ग्रुप दे रखा है, कोई भी उसका ऑर्डर है, आप phi n निकालिए, आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स आपके कैलकुलेट आ जाएंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप के, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेकंड, नंबर ऑफ यूनिट्स इन रिंग थ्योरी, ठीक है, रिंग थ्योरी में, ये मैं आपको, मैंने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के सारे रिजल्ट्स इकट्ठे यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आपको जब आप phi फंक्शन करें तो आप ये देख लें कि phi फंक्शन से हमारा क्या क्या निकल सकता है, कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं या एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। यूनिट्स क्या होती है, किसी भी रिंग में जो वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो एलिमेंट्स यूनिट्स होते हैं, ये हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं जो भी यहाँ डिस्कस करूंगी वो सारे टॉपिक्स पहले ही डिस्कस डिटेल में हमें कर चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स जो होती है वो कितनी होती है, phi n, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है, इन अ ग्रुप, तो वो क्या होते हैं, इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ phi n। तो कई बार आपको ऑप्शन में, आपको ऑप्शंस कुछ कुछ दे रखे होंगे, तो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो phi m का मल्टीपल होगा कुछ, तो करेक्ट आंसर इज दैट, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स पता होती है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इन अ ग्रुप क्या होता है, k phi m, और अगर वो ग्रुप साइक्लिक है, इफ दैट ग्रुप इज साइक्लिक, अगर ग्रुप साइक्लिक है
देन एग्जैक्टली 5 AM एग्जैक्टली, तो आपको मल्टीपल भी नहीं है तब क्या होंगे, एग्जैक्टली 5 AM होंगे। तो अगर आपको पता है कि आपका ग्रुप साइक्लिक है, वो किसका जनरेटर एक है, हम देखेंगे पहले ग्रुप क्या है हमारा, अगर साइक्लिक है तो एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, 5 AM नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे, हमारी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये है नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिजम्स, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिज्म कहां से कहां तक, फ्रॉम जेड एम टू जेड एन, जेड एम से जेड एन तक आपको होमोमोर्फिज्म निकालनी है, तो वो कितनी होती है, 5 AM। होमोमोर्फिज्म की हम जो वीडियो है, क्या होता है होमोमोर्फिज्म, क्या ऑपरेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है, वो सारा हम डिटेल में कर चुके हैं, है ना। अब ये इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये तो हो गया नंबर ऑफ ऑन टू होमोमोर्फिज्म। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, अगर आपको दिया हुआ है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, देन नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ये भी हमें कैलकुलेट करने के लिए बहुत आता है कि ऑटोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, ऑफ जी इज इक्वल टू 5 ऑफ n। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है डिटेल में हम कर चुके हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अगर आपका जी टू जी ही कोई एक मैपिंग है और वो क्या है, आइसोमॉर्फिक है, सेम से सेम ग्रुप में आइसोमॉर्फिक है, देन दैट इज ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म तो होती है बट सेम ग्रुप से सेम ग्रुप में होती है, तो वो होता है आपका ऑटोमॉर्फिज्म। अगर ऐसा है कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का और उसके ऊपर हमने क्या चेक करनी है, काउंट करनी है, ऑटोमॉर्फिज्म काउंट करनी है, तो आंसर क्या होगा, 5 AM। यू डोंट नीड टू चेक एनीथिंग, जस्ट आपने क्या करना है, 5 AM निकाली है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो हम जितने भी रिजल्ट किए इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बनता है, नेट के पेपर में भी, गेट में भी, तो इसको बहुत ध्यान से आपने करना है, ठीक है। जो हमने ये रिमार्क्स की या जो हमने ये एप्लीकेशंस देखी इसकी व्यूलेस 5 फंक्शन की, इसके ऊपर मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगी। हमें पता है कि जेड एन साइक्लिक होता है, जेड एन इज ऑलवेज साइक्लिक। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ जेड 10^3 या फिर जेड 10,000, आपने क्या निकालने हैं, इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ जनरेटर्स इज 5 n, ये होते हैं नंबर ऑफ जनरेटर्स। तो आप क्या निकालेंगे, 5 ऑफ 10^4, ओके। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 4 × 10^3 और आपके पास आ जाएगा 4000। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। और ZN के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनता है, तो ZN इसलिए मैंने डिस्कस किया पर्टिकुलरली कि अगर आपके पास ये ग्रुप है आपको इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट देखिए, एक और प्रॉपर्टी हमने की थी, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन Z 50 lakhs You need to calculate, आपने क्या निकालना है, find the number of elements of order 1000। इस order के elements निकालिए। अब Zn क्या होता है, हमेशा cyclic होता है, तो इस order के elements कितने होंगे exactly, 5 × 10^3 5 m। जब अगर m order के element निकाला था आपने, exactly क्या निकालना है, 5 m। तो आंसर क्या आएगा, 4 × 10^2 दैट मीन्स 400, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10³ इज 400। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके बहुत ज्यादा अप्लाई होने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई हो, आपको टॉपिक समझ आ गया हो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।